नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है, जहां पर अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। रामलला हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन और पूजन। 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। अयोध्या धाम रामकथा पार्क में हुआ आयोजन। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। रामलला हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन पूजन। 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम। अयोध्या धाम रामकथा पार्क में आयोजन हुआ। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गन्नौर से एक्सक्लूसिव खबर है, जहां पर बीती रात 2 गौवंश पशुओं की हुई हत्या। 2 गौवंश पशु के सिर और अवशेष बरामद हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मचा हड़कंप। 2 थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना रजपुरा क्षेत्र के रानीगंज का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर गन्नौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीती रात 2 गौवंश पशुओं की हत्या हुई। 2 गौवंश पशु के सिर और अवशेष बरामद हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हड़कंप मचा। 2 थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गन्नौर से तस्वीरें आपके सामने, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है बीती रात 2 गौवंश पशुओं की हत्या हुई, जिसके अवशेष जो है मिलने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 थाने की पुलिस जो है यहां पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कसाईयों ने काट दी 2 गाय। अच्छा, तो कब की बात है ये? रात की घटना है। अच्छा, तो किसको सूचना दी आपने? 100 नंबर के लिए मौके पर पुलिस चौकी जीवाड़ा के लिए मौके पर पुलिस स्टाफ मौजूद है। हाँ, पूरा। तो ये क्या लगता है, पहले भी इस तरह की घटना हुई है इस क्षेत्र में? लेकिन इस गांव में तो पहली बार हुआ है, लेकिन आसपास बताते हैं लोग भाई। घटना क्या है? यह बहुत दुख की बात है, ये पहली बार हुआ है हमारे यहाँ पर। कितनी गाय कटी मानी जाए? अब 2 तो सिर पड़े हुए हैं। अच्छा, बाकी पता नहीं। तो ये कब की घटना है? रात की है। तो आपको क्या लगता है कैसे घटना कारित की गई है? ये तो बुरा हुआ है, मतलब जगह गांव में पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई कभी है? नहीं। ये जानकारी है, ऐसे हम मान लो इधर से गए तेलुगु बटार में, फिर हम इधर से लेकर के आए, तब हमने जानकारी देगी तो मैंने की यहाँ मैंने की दिक्कत आई है। तो ये दिक्कत आने के बाद हमने फिर सूचना करी, मैंने देखी कन के लिए वो करना चाहिए। फिर हमें फिर अब मान लो दिक्कत ही है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कब की घटना है? ये रात की घटना। तो लगभग कितने पशुओं का कटान हुआ है माना जाए? 2 पौन का। अच्छा, तो किसको सूचना दी आपने? हमने तो पहले मान लो इनको भी करी, स्थानीय पुलिस को। हाँ, तो घटना आगे बढ़ते। बाराबंकी जनपद में भारत के 73वें संविधान दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन सहित सभी कार्यालयों में भारत के नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु शपथ दिलाई। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि संविधान में दिए उल्लिखित नियमों का पालन करना और लोगों से कराना भी हम सभी का दायित्व है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, परियोजना निदेशक, DRDA उपायुक्त, मनरेगा सहायक निर्वाचन अधिकारी समेत कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे।
चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर आईपीएस लॉबी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आने वाले 24 घंटे में हो सकता है फेरबदल, कभी भी जारी हो सकती है तबादला लिस्ट। देर रात तक नामों पर चला था मंथन, 18 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादला सूची तैयार। 3 नए कमिश्नरेट के लिए पुलिस कमिश्नर के नाम तय हुए। सीएम के गुजरात से वापस लखनऊ लौटने पर जारी होगी सूची। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ से आईपीएस लॉबी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आने वाले 24 घंटे में हो सकता है फेरबदल। नए 3 कमिश्नरेट के लिए पुलिस कमिश्नर के नाम तय हुए हैं। देर रात तक मंथन चला है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आईपीएस लॉबी से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आने वाले 24 घंटे में फेरबदल हो सकता है और कभी भी जारी हो सकती है तबादला लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कभी भी जारी हो सकती है तबादला लिस्ट। उधर अपर जिलाधिकारी ने संविधान दिवस के अवसर पर संगम सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारतीय संविधान के उद्देशिका की शपथ दिलाई। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथ ही संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे, देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, सामाजिक संस्कृति का संवर्धन और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, साथ ही साथ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में उत्कृष्टता बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे और स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा देंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं, बलिया से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विधायक ने हर खबर की खबर का लिया संज्ञान। पीएम सड़क योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर संज्ञान लिया गया है, जांच कराकर होगी कार्रवाई। केतकी सिंह की तरफ से कहा गया है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है सरकार। बीजेपी के विधायक की तरफ से कहा गया, एक तरफ से सड़क बनी थी, दूसरी तरफ से उखड़ गई थी। सहतवार बेनहा मार्ग से हड़िया खुर्द तक बन रही है सड़क। सत्य की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही सरकार, ये बीजेपी के विधायक की तरफ से कहा गया है। सत्य की बड़ी खबर बलिया से जहां पर विधायक ने हर खबर की खबर पर संज्ञान लिया है। पीएम सड़क योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर संज्ञान लिया गया है, जांच कराकर कार्रवाई की बात कही गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही सरकार, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। की अंगुलियों से ही चीज को उखाड़ा जाए। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से बात जानकारी में आई है कि इस तरह का काम हमारे क्षेत्र में हुआ है, और ऐसे ही मेरे संज्ञान में आया। मैंने तुरंत उस विभाग के एक्सीएन से भी बात की है और मैंने कड़े शब्दों में कहा भी है कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है या अनियमितता हो रही है तो इस पे उचित कार्रवाई होगी, और जो जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उन सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सातवार के बिन्हा मार्ग से हणिया खुर्द तक बनने वाली 6 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वो हाथ की अंगुलियों से ही पीच को उखड़ जा रहा है, तो क्या कहना सातवार।
उधर संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के सभी ब्लॉकों में 677 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। हिंदू रीति रिवाज के 615 जोड़ों की शादी की गई और दूसरी तरफ 62 मुस्लिम जोड़ों की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी अदा की। नगर पालिका और विकासखंड ये सब शादियां 15 जगह आयोजित हुई। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सभी जोड़ों को सरकार की योजना के तहत आवश्यक उपहार भेंट किए गए। आपको बता दें कि सभी जोड़ों को अभिनंदन और विवाहित दंपत्ति की शुभकामनाएं दी गईं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों को शासन अनुसार शादियां कराई गईं। शासन के निर्देशों के क्रम में आज 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें पूरे जनपद में 677 जोड़ों के आवेदन हमें प्राप्त हुए, जिनको जांच उपरांत आज 9 स्थलों पर, अलग अलग स्थलों पर इनकी शादियां संपन्न करवाई गई हैं। इसमें शासन की तरफ से प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की धनराशि विभिन्न माध्यमों से दी जाती है, जिसमें 35,000 रुपये सीधा जोड़े के खाते में जाता है, जो महिला जो होती है, वधू होती है। और इस बीच आगे बढ़ते हैं और बात बड़ी खबर की करते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया उद्घाटन। विधायक ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है सीएचसी पीपीगंज पर। ये हेल्थ एटीएम का उद्घाटन, हेल्थ एटीएम से लोगों की एक साथ कई जांच हो जाएंगी। कैंपियरगंज से बीजेपी विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, सीएमओ राजेश सिंह, बम भोले शाही मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने उद्घाटन किया, तो हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया है। उधर श्रद्धा मर्डर को लेकर राजनीतिक नेताओं में बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो उस पर थोड़ी मिट्टी का तेल और सुअर की चर्बी डालकर आग लगा देनी चाहिए। साक्षी महाराज ने ये बयान असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए किया है। सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए यह बयान सामने आया है। सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान सामने आया है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देवरिया से बड़ी खबर है, जहां पर मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस से ढोई जा रही दवाइयां। बड़े बड़े गत्ते में भरकर दवाइयां ढोई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टोर में पहुंचाई जा रही दवाइयां। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले पर साधी चुप्पी। बता दें कि महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला है। वक्त की बड़ी खबर, देवरिया से एम्बुलेंस से दवाइयां ढोई जा रही हैं। बड़े बड़े गत्ते में भरकर ये दवाइयां ढोई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टोर में पहुंचाई जा रही दवाइयां। इस पूरे प्रकरण पर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने जो है पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है।
वक्त की बड़ी खबर देवरिया से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस के जरिए दवाइयां ढोई जा रही हैं। बड़े बड़े गत्ते में भरकर दवाइयों को मेडिकल स्टोर पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है एम्बुलेंस के अंदर जो है बड़े बड़े गत्तों के अंदर दवाइयों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि कॉलेज के स्टोर में पहुंचाई जा रही हैं दवाइयां। तो एम्बुलेंस से दवाइयों की खेप जो है पहुंचाई जा रही है, बड़े बड़े गत्तों में भरकर। तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर मथुरा से खबर मिल रही है, जहां पर 6 दिसंबर को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की तैयारी। राष्ट्रीय अध्यक्षा राजश्री चौधरी पहुंची कृष्ण जन्मभूमि। तो जन्मभूमि के दर्शन के बाद दो कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 3 का ये मामला है, यहां पर मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का ये मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मथुरा से, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा की तैयारी 6 दिसंबर को लेकर हो रही तैयारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी पहुंची कृष्ण जन्मभूमि। तस्वीरें सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अखिल भारत हिंदू महासभा की तैयारी। मथुरा से ये खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। पूरे देश की नजर यूपी के उपचुनाव पर लगी है। ये जयंत की तरफ से कहा गया है, खतौली रामपुर मैनपुरी के चुनाव पर लोगों की नजर, हम सब का प्रयास है कि भाईचारे की जीत हो। ये जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है। गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, विपक्षियों के दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि जनता संरक्षण देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं किया गया है। मेरठ से बड़ी खबर, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। पूरे देश की नजर यूपी के उपचुनाव पर लगी हुई है। खतौली रामपुर मैनपुरी के चुनाव पर लोगों की नजर है। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है, जो कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है पूरे देश की नजर यूपी के उपचुनाव पर है। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां पर सप्लाई इंस्पेक्टर की मनमानी के चलते सुनवाई बाधित। मनमानी के चलते ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, निलंबित कोटे को दूसरी ग्राम पंचायत से किया अटैच। सत्य की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामनगर के थाल खुर्द ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से बड़ी खबर, सप्लाई इंस्पेक्टर की मनमानी सामने आई है। मनमानी के चलते सुनवाई बाधित हुई है। मनमानी के चलते ग्रामीण परेशान है। सप्लाई इंस्पेक्टर की मनमानी बाराबंकी से देखने को मिल रही है, जिसको लेकर तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ग्रामीण लगातार परेशान हैं। परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां ग्राम सभा देवरार पिपरा की रहने वाली एक युवती से उसी के गांव के ही एक युवक पिछले 5 सालों से एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब युवती गर्भवती हुई तो युवक और युवक के घर वालों ने मिलकर गर्भपात करवा दिया। दरअसल आपको बता दें कि गर्भपात होने के बाद युवती को कुछ दिक्कत आने लगी। जब युवक को पता लगा तो इलाज के लिए अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने युवती का ऑपरेशन करने की बात कही तो युवक घबराकर युवती को अस्पताल छोड़कर भाग निकला। तो वहीं आपको बता दें कि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। युवती हिम्मत जुटाने कर जो है अपने घर वालों को सारी घटना बताई, फिर घर वाले आसपास के अस्पताल लेकर पहुंचे।
युवती का ऑपरेशन कराया, तब जाकर युवती की हालत में सुधार आया। आपको बता दें कि गुस्साए परिजनों ने युवक के घर गए तो युवक के परिजनों ने युवक और युवती की शादी तय कर दी। तो वहीं शादी तय होने के बाद रीति रिवाज से दोनों युवक और युवती की सगाई हुई और सगाई के दौरान दोनों ने आपस में अंगूठी पहनाई। वहीं काफी साल बीत जाने के बाद लड़की के घर वालों ने युवक के घर शादी का डेट फिक्स करने पहुंचे तो फिर दबाव बनाने लगे। लड़की के घर वालों से 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। इसके बाद पीड़िता परिवार के लोगों ने स्थानीय थाना हाटा कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी। साथ ही आपको बता दें कि मामले में प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ जो है संदिग्ध धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्तगण पैसे का दोष दिखाकर गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। पीड़ित परिवार के लोगों ने न्याय के लिए गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हमने लड़की के साथ में बहुत बुरा हुआ है। इसके एक लड़के से उसका जबरदस्ती उसके साथ में शारीरिक संबंध शारीरिक शोषण किया है और उसका ओबरी निकाल लिया गया है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूं कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और कड़ी सजा दिलाया जाए। मैं एक लड़के के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में थी। उसका नाम अमन सिंह है। वो मेरे साथ मेरी इच्छा के विपरीत शादी का झांसा देते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहता था और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उससे बोली। फिर वहां से अमन मुझे नवजीवन हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहां पे भी डॉक्टर यही बोला तो वहां से वो भाग गया। तो मैं अपने घर वालों को बुलाई तो मेरे घर वाले गए और मेरे मामा लोग आए तो वहां से मुझे मेडविन हॉस्पिटल में एडमिट किए लो। फिर वहां पे मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर द्वारा अंडाशय काट के निकाला गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।